महिला आरक्षण बिल पर लगातार सांसदों के बयान आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तो है, मैं समझता हूँ कि क्या क्या होगा देश की राजनीति में, तो उसको बारे में आकलन करना आज संभव नहीं है। भाजपा की नीयत ठीक नहीं है। पहले भी जब बिल 2010 में आया था, 1979 में आया था, उस समय भाजपा ने विरोध किया था। तो आज मगर बहरहाल फिर भी हम पूरी सर्वसम्मति से इसको पारित करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा में सारे दल उसका सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस पार्टी उसका के साथ है। लेकिन सर, ये बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, कई सांसदों ने बात कही, जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग पर कि अब लाएंगे तब लाएंगे, लेकिन ये रूल्स प्रोसीजर होते हैं। क्या रूल्स प्रोसीजर? मैं आज अमेंडमेंट एक मूव कर रहा हूँ, वो अमेंडमेंट मान लीजिए 24 में लागू हो जाएगा, ड्रॉ निकल जाएगा, 545 सीटों पर ड्रॉ निकल जाएगा, एक तिहाई पे। हर प्रदेश की जितनी है सीटें, यूपी में 80 हैं तो 24 हो जाएंगे, हरियाणा में 10 हैं तो 3 हो जाएंगे रिजर्व, ड्रॉ निकल जाएगा। अमेंडमेंट में लेके आ रहा हूँ, उस अमेंडमेंट पे वोटिंग करा लीजिए, आज भी हो जाएगा।